हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई वास्तु का उपाय बताते हैं जिससे आप अपने घर के, अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। और हमारी हर वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं, जैसे कोई काम धंधे का सोल्यूशन है, परिवार के सोल्यूशन है, या पैसे की रुकावट है, बाधा है, प्रमोशन वगैरह किसी भी समस्या के लिए, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी दिन का भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हर दिन का एक अलग अलग उपाय होता है, अलग अलग महत्व होता है, लेकिन संडे का दिन दोस्तों, रविवार का दिन हमेशा इंसान छुट्टी बिताने में पसंद करता है, क्योंकि 6 दिन काम करने के बाद एक दिन आराम इंसान को चाहिए ही चाहिए। लेकिन कई बार संडे को भी, रविवार को भी बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के लिए। तो उन ज़रूरी कामों को शुभ बनाने के लिए, अपने संडे को अच्छा बनाने के लिए, अपने रविवार को, यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य आके अटक जाता है कि आपको यह शनिवार उसको संडे को ही करना है, आपको यह इतवार को ही करना है, आपको यह छुट्टी वाले दिन ही करना है, तो अपने संडे को यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य अटक जाता है, आपके रविवार के दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको करना ही पड़े, तो उसको आप सबसे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एक पान का पत्ता, छोटा सा उपाय, अगर आपका संडे के दिन या रविवार के दिन कोई भी महत्वपूर्ण काम पर जाना है और आप उसमें सफलता चाहते हैं कि मुझे इसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएं, तो अपनी जेब में एक पान का पत्ता अवश्य रखें। ऐसा सुबह आप नहा धो के नित्य कार्य करके अपने जाएंगे पीपल के देवता से, तो नहा धोने के बाद आप पान वाले से पान का पत्ता लेके आएंगे। पान के पत्ते को आप अपने मंदिर में रखेंगे, जो आपके घर के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो उस मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद आप अच्छी तरीके से पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप इस पान के पत्ते को अपनी जेब में रख के फिर उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएंगे, तो आपको संभव ही सफलता मिलेगी। यह आपकी सफलता की एक संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पान का जो पत्ता होता है वह पूजा पाठों में अधिक कार्य होता है, इसलिए इसका प्रभाव हमेशा इंसान के साथ उसके वातावरण में बना रहता है। और अगर इंसान का वातावरण सकारात्मक हो जाता है तो उसके कामों की संभावना, सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप इतवार को या संडे को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, तो उसमें अपनी जेब में एक पान का पत्ता अवश्य रखें, तो आपके सफलता मिलने की संभावना अधिक रहेगी। एक छोटा सा आइडिया आज हमने बताया कि किस प्रकार आप संडे को और बेहतर बना सकते हैं। उस अपनी मनचाही सफलता पाने के लिए सिर्फ आपको पान का पत्ता अपनी जेब में रखना होगा पूजा पाठ करने के बाद। और भी लोगों तक ये आइडिया पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।